नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, नए भारत के अमृतकाल में हमारी सोच में कितना अमृत बचा है, इसका एक और शानदार उदाहरण हमने देश और समाज के तौर पर पेश किया है, जब सोशल मीडिया पर विष फैलाने वालों के सामने हिंदुस्तान की बेटी सानिया मिर्जा को गुहार लगानी पड़ी और स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी। और ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि सानिया मिर्जा को शोएब मलिक की शादी के बाद लगातार ट्रोल किया जा रहा है। सुधीर चौधरी पैरोडी से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा पैरोडी जैसे अकाउंट कहते हैं कि सानिया मिर्जा से तो उनकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए, उनके बेटे को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। इतनी घटिया बातें सानिया मिर्जा के लिए सोशल मीडिया पर की जा रही हैं कि सानिया मिर्जा को स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी। सानिया मिर्जा और उनके परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उसमें क्या कहा है जरा सुनिए। सानिया मिर्जा ने अपनी प्राइवेट लाइफ को हमेशा सार्वजनिक जीवन से दूर रखा है, लेकिन आज ये बताने की जरूरत आ गई है कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा कुछ महीने पहले तलाक ले चुके हैं। उन्होंने शोएब मलिक को अपने नए सफर के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस बेहद संवेदनशील वक्त में सानिया की सभी से विनती है कि किसी भी तरह की गलत बातों में ना पड़ें और सानिया की प्राइवेसी की जरूरत का सम्मान करें। तो सानिया मिर्जा रिक्वेस्ट करने को मजबूर है कि प्लीज मेरी प्राइवेसी का सम्मान करिए। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सानिया मिर्जा का मजाक उड़ाया जा रहा है। सानिया मिर्जा के तलाक को बड़ा मुद्दा बनाने वालों को प्रीति खत्री की बात सुननी चाहिए, जिसमें वो कहती हैं कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक साथ नहीं रहना चाहते थे, तलाक हो गया, बात खत्म कीजिए। सानिया ने लिया या मलिक ने, अब इस बात से क्या साबित होगा? ना ये दुनिया का पहला तलाक का केस है और ना ही आखिरी, तो फिर इस बात पर इतना हल्ला क्यों? दोस्तों, इस बात पर इतना हल्ला इसलिए है क्योंकि सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी खिलाड़ी से शादी की थी, लेकिन तलाक तो सानिया मिर्जा का तब भी हो सकता था जब वो किसी हिंदुस्तानी से शादी करती। क्या हिंदुस्तान में तलाक नहीं होते? ये दो व्यक्तियों की निजी लाइफ का मुद्दा है, इसे लेकर सानिया मिर्जा का मजाक उड़ाना और ये कहना कि इनको हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं देनी चाहिए अपने आप में शर्मनाक है, जो दिखाता है कि एक धर्म से नफरत में किस तरह लोग अंधे हो गए हैं। कई लोग सानिया मिर्जा को सुझाव दे रहे हैं कि अब तो मोहम्मद सिराज से शादी कर लेनी चाहिए, मोहम्मद शमी से शादी कर लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि एक समाज के तौर पर हम कितना गिर चुके हैं और कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। सानिया मिर्जा देश की रोल मॉडल रही हैं। वो सानिया मिर्जा जिनको देखकर देश की अनेकों बेटियां खेल के मैदान पर उतरी, वो सानिया मिर्जा जो देश की रोल मॉडल थी, आज देश की जनता ही उनका मजाक उड़ा रही है, जो असल में इस हकीकत को दिखाता है कि हम महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। दोस्तों, आप सानिया मिर्जा को इस तरह ट्रोल करने और उनकी स्टेटमेंट को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।